वाओ कुंज, तो ये है वो जगह, वो स्पेशल जगह जहां पे तुम और ट्विंकल आया करते थे। थैंक यू सो मच मुझे यहां लाने के लिए। देखा बेबी कितना प्यारा रूम है और कितना अच्छा व्यू भी है। मैं और आपके पापा यहीं आते थे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बेबी, यहाँ का ब्रेकफास्ट ना तुम्हारे पापा को बहुत पसंद, स्पेशली यहाँ के वॉफल्स और पैनकेक। बहुत मजे से खाते थे तुम्हारे पापा। सर मैं समझ नहीं पा रहा आपको किस तरह की कॉफी चाहिए। तीन बार आपके लिए कॉफी बना चुका हूँ लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा। सर वहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैम वो कस्टमर पता नहीं उनको किस तरह की कॉफी चाहिए। उनके लिए तीन बार अलग अलग कॉफी बना चुका हूँ पर समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली। और एक तो उनकी तबीयत खराब है ना, कुछ बोल भी नहीं पा रहे कुछ। That's sad. मैं ट्राई करूँ, शायद ये कॉफी उन्हें पसंद आए। अच्छा कॉफी देख के शायद उन्हें पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। सर ये कॉफी। कितने टाइम बाद तुम्हारे स्टाइल की कॉफी बनाई कुंज। काश तुम यहाँ होते तो हम साथ बैठकर कॉफी पीते और तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट करते। ओ, ये कॉफी वहां पर एक मैम थी, अरे लगता है चली गई। वेटर। यस सर। एक्सक्यूज सर। कुंज, कुंज कंग्रेचुलेशंस, फाइनली इट्स हैपनिंग। सर्जरी की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। डॉक्टर सूरती ने तुम्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल बुलाया है। लेट्स गो। चल समझती क्या खुद को? मन तो करे कि
Do you have any idea? तेरी फैमिली मेंबर्स कितने स्ट्रेस में right now? बेबी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मनोहर अंकल अलग स्ट्रेस में, उषा आंटी अलग स्ट्रेस में, वो मनोहर अंकल कहीं से दर भटक रहे कि तू मिल जाए, और लीला आंटी उनका तो पूछ मत, हालत खराब है उनकी। मैडम यहां चुपके बैठे होटल रूम में, लव देयर, वाओ। हाँ ये अच्छा, पहले खुद ही स्टंट करो, लोगों को टेंशन दो और अब रोना चालू, क्यों? ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे, गिल से मर जाए बेचारा, क्योंकि तूने बिल्कुल जो भी है। चल अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ, छोटी सी बच्ची है क्या तू कि किसी ने कुछ कहा और घर छोड़ के आगे भागे? स्टूपिड लड़की, तू स्टूपिड, तेरा फोन स्टूपिड, तू मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं यहीं पे रहूंगी, डू यू गेट इट? ना मेरे कुंज की यादें जो अपने बेबी के साथ शेयर करनी है, मेरे बच्चे को तो पूरा हक है ना अपने पापा के बारे में जानने का, मैं यही रहूंगी, तो जाके सबको कह दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यही रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर पल्लवी, पेशेंट कुछ आपसे बात करना चाहता है। साइड वे रूम नंबर 134। डोंट वरी, वो अब खतरे से बाहर है, मैंने जो मेडिसिन लिख के दी थी वो ला के दे देना। जी शुक्रिया। बेबी क्या हो गया? माँ बेबी को क्या हो गया बेबी को? बेबी उठी। अब क्यों पूछ रही है, चली जाना जहां जाना चाहती थी, बिना बताए चली गई, एक बारी भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीत रही होगी। देख रही बेबे को, इनका ये हालत तेरे वास्ते हुआ है, तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, बीमार पड़ गई है, जी तो चाहता है तनो एक ना। और डांटिए से, अब हम में से किसी की बात तो सुनती है नहीं है, शायद आप ही कंट्रोल कर सकती है आंटी से। मुझे सीरियसली लगने लग गया था कि तू बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल किस्म की लड़की हो गई है यू नो, बट आज जो तूने हरकत करी है उसके बाद मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। विंकी, अगर अपना ख्याल नहीं रख सकती ना तो एटलीस्ट अपनी बेबी के बारे में तो सोच यार। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, नथिंग एट ऑल, तू भूखी है, सैंडविच का एटलीस्ट बेबी का ख्याल तो रख सकती है ना तू विंकल? लेकिन जस्ट कीप क्वाइट एंड ईट दिस सैंडविच, ओके? यू नीड दिस, इफ नॉट यू, तेरी बेबी को तेरी जरूरत, समझी? हाँ लीला आंटी, कंटिन्यू रखिए अपना डांटना, क्योंकि इसे ऐसे तो समझ नहीं आने वाली। विंकल, बेबी मैं यहाँ हूँ। बेबे आई एम सो सॉरी बेबे, मैं आपको कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी बेबे, आई एम रियली सॉरी। उतर मैंने माफ करते, मैंने तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई, तेरी दोबारा शादी की बात करके। उतर तुम कुछ की है और कुछ की रहेगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।